आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। ब्रिज रेक्टिफायर लास्ट क्लास में देखा था और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। बढ़ते हैं आगे। जिस प्रकार हाफ और फुल में अपन ने पढ़ा था या सेंटर टेप में अपन ने पढ़ा था कि उसके लिए औसत मान कैसे निकालते हो, तो ध्यान रखिएगा अपन यहाँ दो ही टॉपिक इसके लिए पढ़ने वाले हैं बीएससी में। एक तो है इसकी औसत वोल्टता कितनी होती है और दूसरा इसकी औसत धारा कितनी होती है। ठीक है, मीन्स जो अपन पढ़ रहे थे रिपल फैक्टर, वो अपन यहाँ पे नए डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आपकी डिमांड होगी तो डाल देंगे। ठीक है, अपन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है ना, देखिएगा मीन्स आज अपन इस क्लास में क्या डिस्कशन करेंगे कि सेतु दिष्टकारी के लिए औसत वोल्टता तथा धारा, सेतु दिष्टकारी के लिए औसत वोल्टता तथा धारा का मतलब होगा निर्गत धारा। ठीक है, करने का तरीका पूरा अलग होगा, एवरेज वोल्टेज एंड निर्गत धारा है तो दिष्टकारी में कौन सी धारा निर्गत हो जाती है, डीसी। निर्गत होने के बाद आप डीसी बोलते हो, मीन्स डीसी करंट, ऐसे भी बोल सकते हो आउटपुट करंट, आपकी मर्जी। डीसी करंट या आप बोल सकते हो आउटपुट करंट फॉर ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। हेडिंग से डर मत जाना कि इतना बड़ा हेडिंग है, कितना बड़ा टॉपिक होगा, नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, फर्स्ट अपन डिस्कशन कर रहे हैं, दोनों में से एक एक लेके अपन चलेंगे। पहले अपन वोल्टेज निकालेंगे, उसके बाद अपन करंट निकालेंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं कि डायग्राम क्या बनाया था, क्योंकि उस डायग्राम की अपन मदद लेने वाले हैं, क्योंकि जब भी किसी को कोई काम करना होता है तो किसी की सहायता की ज़रूरत होती है और अपने को भी इस डायग्राम की सहायता की ज़रूरत होगी। अपन ने पढ़ा है पूरा। फाइनली अपने पास इनपुट, अपन ने ये साइन वेव दी थी और आउटपुट अपने पास क्या निकला था, ये वाला निकला था 1 2, सारे सेम है, सारे इक्वल है। ठीक है ना, आप स्केल से बनाओगे तो पूरे इक्वल फाइंड होंगे, समझ गए बात को। अब यहाँ पर जैसे टी 0 से टी बाई टू इस प्रकार अपने को डिनोट करना होता है, लेकिन अपन पाई की टर्म में करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक पाई होगा, यहाँ पे 2π होगा, 3π होगा, इस प्रकार से आगे चलता जाएगा। समझ रहे हो बात को, मीन्स यहाँ पाई 2π 3π और आगे इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, फर्स्ट हेडिंग लगाते हैं अपन, औसत। इसको ऐसे भी बोलते हैं औसत या दिष्ट वोल्टता, औसत या दिष्ट वोल्टता। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज में, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब निकालने का तरीका क्या है, ठीक है ना, कि अब जैसे कि अपन इस वाले साइकिल की बात करें, आगे वाले साइकिल की बात करें, तो इसमें अपन क्या कहेंगे कि यदि एक साइकिल के लिए, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, बहुत आसान रास्ता हो जाएगा, यदि एक साइकिल के लिए अपन वैल्यू निकाल लें, ठीक है, वैसा ही साइकिल आपको आगे वाला मिल रहा है, सेम वैसा ही साइकिल आपको उससे आगे वाला और उसके आगे वाला। तो इस प्रकार क्या हो रहा है कि जब आपको एक साइकिल की वैल्यू मिल गई, मींस एक साइकिल का मान आप काम में ले लो और उसका इंटीग्रेशन कर दो, आपको पूरी वेव का मान मिल जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो, फिर सुन लेना कि यदि एक साइकिल, मान लो मैंने ये चूज कर लिया फर्स्ट वाला, ठीक है, और इसका मान मैं निकालता हूँ, फिर ऐसा ही साइकिल तो आगे तक चलने वाला है, तो अपन टोटल जो मान निकालते हैं, तो कुल मान निकालने के लिए अपन क्या करते थे, समाकलन करते थे। तो फर्स्ट वाला जब मान निकाले तो फर्स्ट में लिमिट अपन कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से 5। जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तब आपके ज़्यादा समझ आएगा। मीन्स यदि आपको वी एवरेज निकालना है या क्या बोल सकते हो वी डी सी निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होगा कि पूरे चक्कर में वक्र के नीचे का क्षेत्रफल, मीन्स जब इसने पूरा साइकिल किया, देखिएगा पूरे चक्कर में, थोड़ा सा ब्लैंक हो गया, पूरे चक्कर में वक्र के नीचे का क्षेत्रफल, वक्र के
नीचे का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई आधार। ध्यान रखना ये फॉर्मूला, इस वाले रेक्टिफायर में अपन ये फॉर्मूला काम में लेंगे। तो देखिएगा, ये साइकिल आपके पास था और इस साइकिल का बेस आपके पास क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो मान है वो इसके बेस का है। मीन्स फॉर्मूला ध्यान ही रखना है, पूरे चक्कर के वक्र के नीचे का क्षेत्रफल कितना है और इसके आधार का मान कितना है। बढ़ते हैं अपन आगे, ठीक है। देखिएगा, अब चाहे मैं वी एवरेज लिखूँ, चाहे मैं वी एसी डीसी लिखूँ, एसी नहीं डीसी लिखूँ, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ वी डीसी। इंटीग्रेशन करना होता आपको किसी फंक्शन एफ टी डी टी, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक जी, जीरो से पाई तक। फर्स्ट वाला लूप अपने कहाँ चल रहा है, जीरो से कहाँ तक, साइकिल पाई तक, ठीक है। डिवाइडेड बाई, और पूरा मान कितना है यहाँ से यहाँ तक, पाई। आधार का मान कितना हो गया जी, पाई का मान हो गया। अब अपना मकसद क्या है, यहाँ पे आप फंक्शन का पता लगा लो एफ टी का, और एफ टी का पता लगाते ही आपका काम हो गया। तो जब अपन आउटपुट निकाल रहे थे तो किसकी मदद से निकाल रहे थे, इनपुट की मदद से। देखिएगा लिखने का तरीका, वी डी सी इक्वल जीरो से पाई। जब पाई आ जाता है तो पाई रेडियन में होता है, ठीक। पाई रेडियन में होता है मीन्स ये किसी प्रकार का एंगल है, किसी प्रकार का एंगल है मीन्स ये जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन होगा, एफ थीटा और डी थीटा का फंक्शन होगा। समझने वाली बात है पूरी, कि जीरो से पाई आपने लिमिट ली है, दिस इज इन टर्म ऑफ रेडियन, सो वी कैन से द फंक्शन वी टेक इन थीटा फॉर्म, मीन्स रेडियन की फॉर्म में ही अपन ये वाला फंक्शन लेंगे। समझ पाए। अब फंक्शन क्या होगा जी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम आराम से धीरे धीरे चलते हैं। वी आई इनपुट अपन ने कितना दिया था, पीछे वाला लेक्चर याद करिए, वी इनपुट का मान अपन ने क्या दिया था, क्या आया था अपने ई एम साइन ओमेगा टी आया था कि नहीं, ठीक है। मीन्स सुनिए ध्यान से, पहले इसको लिखिए, जीरो से पाई अपने पास एफ टी होगा वी इन, ठीक है, साथ में डी थीटा डिवाइडेड बाई पाई। इक्वेशन मान लेते हैं अपन एक, इस डायग्राम का कोई काम नहीं रह गया, मिटा देता हूं मैं। वक्त दीजिएगा अपना, क्योंकि टाइम दोगे तभी पता लगेगा कि कितना का आपके समझ आएगा, समय निकालना बहुत ज़रूरी है। बट वी इन क्या आया था जी, ई एम साइन ओमेगा टी, और ई एम था क्या, एन को सेकेंडरी जो कुंडली थी उसके ईपी से मल्टीपल किया था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वेशन टू मान लो, बाई इक्वेशन वन एंड टू दोनों से आप क्या लिख सकते हो, वी डी सी, एवरेज भी लिख सकते हो आपकी मर्जी है, जीरो टू पाई, वी इन की जगह रखो ई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। मीन्स ओमेगा टी को एज ही अपन थीटा ले लेंगे, तो साइन थीटा साथ में क्या आएगा, डी थीटा डिवाइडेड बाई पाई। क्यों, क्योंकि अपन रेडियन की बात कर रहे हैं, तो अपन इमेजिन कर रहे हैं कि ये किसका फंक्शन हो, कोई थीटा का फंक्शन हो। समझ गए बात को, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ जाएगा वी डी सी इक्वल ई एम बाहर लो, साइन थीटा का क्या हो गया, कोस थीटा, लेकिन कैसा कोस थीटा, नेगेटिव कोस थीटा, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से पाई तक अपॉन पाई। आपका क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि सर ओमेगा टी बराबर थीटा कैसे लिया, तो अपन ये लेके चलते हैं कि वहाँ किसी प्रकार का कोई एंगल बनता है अपने सॉल्यूशन के लिए। आप यहाँ पर जीरो से टी बाई टू लेके भी करने का प्रयास करना, दिस इज माई सजेशन, ठीक है। ई एम माइनस कोस थीटा, ठीक है, जीरो से कहाँ तक, पाई तक। सॉल्यूशन कैसे करते हैं, वी डी सी इक्वल अपर लिमिट माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट रख दीजिएगा, तो ई एम अपर लिमिट रखिए माइनस कोस पाई, माइनस लोअर लिमिट रखिए कोस जीरो। यहाँ जल्दीबाजी करते ही आप दुर्घटना कर बैठोगे, स्टेप बाय स्टेप करना आपको। समझ पाए आप, इतना उधर ही कर लेते हैं अपन, स्पेस है अपने पास अवेलेबल। देखिएगा नेक्स्ट स्टेप, वी डी सी इक्वल ई एम, ठीक है, माइनस कोस पाई, कोस पाई का मान क्या होता है, माइनस वन, फिर क्या है, माइनस, ठीक है, माइनस, लेकिन एक माइनस यहाँ और आना है, क्योंकि ये खुद कैसा बैठा है, नेगेटिव बैठा है, ठीक है ना, माइनस माइनस कोस जीरो कितना हो गया, वन हो गया, काम हुआ अपना। नीचे क्या आ गया जी, पाई। आगे बढ़ो, वी डी सी इक्वल ई एम, यहाँ पे वन हो गया, आगे वाला भी वन हो गया, नीचे क्या आ गया जी, पाई। कुल मिला के बात ये है कि अपने पास औसत शक्ति या डी सी नहीं, औसत वोल्टता या वी डी सी का जो मान आया वो मान क्या है जी, 2 ई एम अपॉन नीचे क्या आ गया, पाई।
समझे बात को, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट होता है वी डी सी, जब आप 2 में पाई की वैल्यू 3.14 रखोगे और डिवाइडेशन दोगे तो आपके पास कोई डिजिट आएगी, उस डिजिट का मान होगा 0.636, साथ में क्या आ गया, ई एम, ठीक है। नेक्स्ट वाला इक्वेशन दे दो इसको, तीन, समीकरण तीन क्या है लिख सकते हो आप, समीकरण तीन, ब्रिज रेक्टिफायर के लिए औसत या दिष्ट वोल्टता है। अब यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, देखो ब्रिज रेक्टिफायर के लिए औसत तथा दिष्ट वोल्टता का मान ज्ञात कीजिए, लास्ट में जो अपन निष्कर्ष निकल लिखते हैं ना वहीं से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है। अब यहाँ से ही आपको कह दे कि ब्रिज रेक्टिफायर के लिए औसत या दिष्ट वोल्टता का मान ज्ञात कीजिए, तो इजीली आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। पूरा मेथड आपको बता दिया गया। अब देखिएगा ई एम दूसरी फॉर्म में भी तो रख सकते हैं, जब अपन ने थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है, तो ई एम का मान क्या था, एन ई पी था, तो आप यहाँ पे वापस एन ई पी रख सकते हो। दिस इज द टूडेज क्लास फर्स्ट टॉपिक, एवरेज एवरेज और डीसी वोल्टेज ऑफ ए ब्रिज रेक्टिफायर। नाउ वी मूविंग ओवर नेक्स्ट टॉपिक, आउटपुट करंट या डीसी करंट। समय दीजिएगा, प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम पे आप बता दीजिएगा, और हमारी कोशिश रहती है कि हम कोई प्रॉब्लम छोड़े नहीं, और शायद ही छोड़ते हैं किसी टॉपिक में, फिर भी आपको कभी लगे कि इसमें ये प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक बता दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, आपको आंसर प्रोवाइड श्योर करवाएंगे। आप सेवा का मौका दीजिएगा, हम आपकी आपके लिए यहाँ हाजिर हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा अपना, औसत या दिष्ट निर्गत धारा। जल है तो कल है, ठीक है ना, चलिएगा। जैसा अपन ने ये पढ़ा है सेम वैसे ही ये होने वाला है, छोटी सी हेडिंग लगा लेते हैं, निर्गत या दिष्ट धारा। जो काम वोल्टेज के लिए अपन ने किया है वही काम अपने को धारा के लिए करना है। थोड़ा सा डायग्राम वापस बना लेते हैं समझने के लिए, मैं ये दोनों डेरिवेशन 5 मिनट में भी ख़त्म कर सकता था, लेकिन क्या फ़ायदा था, समझ में भी तो आना चाहिए था। यदि अपन इनपुट वोल्टेज यहाँ दे, ठीक है, इस प्रकार की वेव अपन ने दे दी, ओके नो प्रॉब्लम, यहाँ से यहाँ नॉर्मल डाल दिया, नॉर्मल का मतलब अपन ने एक मैचिंग पॉइंट ले लिया जिससे कि थोड़े देखने में भी सुंदर था। अपने पास आउटपुट कैसा निकल के आ रहा था, वी नोट ये, ठीक है। तो यहाँ धारा का भी एक आउटपुट निकलता है, बताया हुआ है शायद आपको, एक दफ़े बताया था, जब हाफ रेक्टिफायर अपन पढ़ते हैं वोल्टेज वाले से थोड़ा सा एम्पलीट्यूड कम हो के आपको करंट का भी क्या मिलता है, यहाँ डायग्राम मिलता है, मीन्स करंट का भी यहाँ पे डायग्राम मिलता है, करंट कौन सी जी, डीसी करंट। वापस वही बात है, आपको डीसी करंट ज्ञात करनी है, फॉर्मूला काम में ले लो और फॉर्मूला काम में ले के आगे सॉल्यूशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। मीन्स लिख रहा हूँ मैं फॉर्मूला, आई डी सी बोल सकते हो या आई एवरेज आप बोल सकते हो, फॉर्मूला होगा ये जो चक्कर दिया गया है, पूरे चक्कर में वक्र के नीचे का क्षेत्रफल बटा आधार, पूरे चक्कर में वक्र के नीचे का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय आधार, ठीक है, वही काम करना है अपने को। बस वोल्टेज की टर्म ली थी, उसको किसकी टर्म लेनी है आपको, करंट की टर्म लेनी है। तो देख लो आई डी सी इक्वल, लिमिट वही रहनी है, बस यहाँ पे फंक्शन एफ थीटा और साथ में डी थीटा डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा जी, पाई, इक्वेशन नंबर वन। लेकिन एफ थीटा, इस बार आप धारा ज्ञात कर रहे हो तो धारा का थीटा वाला इक्वेशन क्या होता है, आई एम साइन ओमेगा टी होता है कि नहीं, ठीक है। तो अपन क्या लेके चलेंगे, देखिएगा थीटा की टर्म में चेंज करेंगे, आई एम यहाँ पर अपन मान लेंगे क्या है अपने पास, साइन थीटा है, समझ गए बात को, ठीक है। मीन्स इसको अपन इक्वेशन टू दे सकते हैं, ठीक है। एफ थीटा, एफ थीटा अपन ने क्या मानना है, आई का मान निकला था अपने, मीन्स एफ थीटा क्या है, आई का मान। तब इस इक्वेशन को भी आप क्या लिख सकते थे, जीरो से पाई यहाँ पे क्या, आई इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो गया जी, पाई। इसको इक्वेशन वन लिख सकते हैं, इसको दो, इस समीकरण दो को समीकरण एक में रखने पर रख दीजिए,
देखिएगा, आई डी सी इक्वल 0 to π, समझ आ रहा है? लास्ट तक बने रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। जब क्लास शुरू करते हो लास्ट तक नहीं बने रहते हो तो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आधे कॉन्सेप्ट आप सीखे जाते हो और उसमें भी आपके एक्सक्यूज रहते हैं। 0 to π, यहाँ पे क्या आ गया, आई, आई की जगह अपन ने रख दिया आई एम साइन थीटा विथ डी थीटा डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है। साथ में देखिएगा आई डी सी, यहाँ से कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दो, आई एम आयाम है बाहर निकाल दिया अपॉन पाई, अंदर क्या रह गया 0 to π साइन थीटा विथ डी थीटा, नो प्रॉब्लम। आई डी सी इक्वल आई एम अपॉन पाई, साइन थीटा का क्या हो गया माइनस कोस थीटा, लिमिट 0 to π, दैट्स ओके। आई डी सी इक्वल आई एम अपॉन पाई, ठीक है, माइनस कोस पाई, माइनस देखो वही स्टेप आ गई ना, माइनस कोस 0, लेकिन फर्क क्या है, ई एम की जगह क्या आ गया, आई एम आ गया, ठीक है। आई डी सी इक्वल आई एम अपॉन पाई क्या रहा, माइनस कोस पाई कितना, माइनस वन, माइनस माइनस कोस 0 भी कितना, 1, ठीक है। अंदर माइनस पहले से प्रेजेंट था तो माइनस आ गया, ठीक है। मीन्स आई डी सी इक्वल आई एम अपॉन पाई, ये 1 हो गया प्लस नेक्स्ट वाला 1 हो गया, इधर आ जाइए, समझ आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक है जो हमें मोटिवेट करते हैं, ठीक है। आई डी सी इक्वल क्या मिला आपने को, 2 into IM upon π, वापस वही बात है, आई एम क्या होता है बताइए आप, ई एम अपॉन क्या लिया था अपन ने, आर प्लस आर एल, इसका मीनिंग क्या है, यदि आपको ये आई डी सी किसकी टर्म में पूछी होती, ई एम की टर्म में पूछी होती आई डी सी, तब आप आई एम की जगह ये वाली वैल्यू पुटअप कर देते, आसानी से मान अपन फाइंड कर लेते। मीन समझिए बात को, इस इक्वेशन को यहाँ रखिए तो क्या मिलेगा आपको, आई डी सी इक्वल 2 into ई एम अपॉन नीचे क्या पाई, साथ में क्या आ गया आर प्लस आर, समझे बात को। वापस वही बात है, पाई की जगह 3.14 रखिए, 2 में इसका डिवाइडेशन दीजिए, तब आई डी सी का मान आपके पास कितना, वापस वही रहना है, मीन्स 0.636, इससे लिखा है मैंने 0.3636, ठीक है ना, 0.636 आई एम है, और साथ में आप ये भी लिख सकते हो कि आई डी सी का जो मान है वो 0.636 इंटू ई एम अपॉन क्या जी, आर प्लस आर एल, जो आपकी मर्जी है, जो आपको एग्जाम में पूछा जाए वो वाला आप यहाँ से ले सकते हो। मीन्स इसको आप इक्वेशन नेक्स्ट वाला दे सकते हो, 3 हो गया ना, और यहाँ आप लिख सकते हो समीकरण तीन फुल नहीं, ब्रिज रेक्टिफायर के लिए औसत धारा का मान है, औसत धारा का मान है, समझ पाए। अपन ने तीनों रेक्टिफायर पढ़े हैं, बेखूबी स्टेप बाय स्टेप अपन चलें। जब रेक्टिफायर खत्म हो जाता है तो रेक्टिफायर खत्म होने के बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है वो रिलेटेड होता है जेनर डायोड से, थोड़ा सा सुन लीजिएगा, किससे रिलेटेड होगा, जेनर डायोड मीन्स एक स्पेशल डायोड होता है। जब कभी क्या करते हैं अपन, अपना जो डायोड, मैं थोड़ा सा रफ करके आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना, वेट करिए, अपना साथ दीजिए, क्योंकि आप साथ निभाओगे तभी काम बनेगा, है ना। यहाँ से थोड़ा आप आगे बढ़ते हैं कि जब आप डायोड को काम में ले लिया, डायोड की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया आपने, मीन्स रेक्टिफायर आपने पढ़ा, तो आगे जो टॉपिक आता है वो जेनर डायोड से संबंधित आता है, इसी चैप्टर में है, किससे संबंधित जी, जेनर डायोड। अगर जेनर डायोड से संबंधित है, इसका मीनिंग क्या है, आपको जेनर डायोड का सिंबल पता होना चाहिए, तो इस प्रकार का जो सिंबल होता है, यहाँ एक हल्का सा ऐसा बना दो, ये जो सिंबल है वो किसका है, जेनर डायोड का। जेनर डायोड अब काम में क्यों लेते हैं, खास बात क्या, जेनर डायोड का काम क्या है, तो जेनर डायोड का मुख्य काम होता है यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन, समझना बात, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिस्कशन करेंगे, अभी पता होना चाहिए आपको कि आगे वाला टॉपिक कौन सा आने वाला है, वोल्टेज रेगुलेशन। अब जेनर डायोड को क्यों काम में लिया गया, कारण क्या था जी,
ठीक है, मीन्स वोल्टता नियामक, हिंदी में बोलते हैं इसको वोल्टता नियामक। अपन क्या कह रहे थे थोड़े टाइम पहले, अपन इसे बोल रहे थे ना, मीन्स पीछे वाला जो लेक्चर था उसमें अपन डायोड था अपने पास, जब ये वाला डायोड रिवर्स बायस में हो रहा था, सुनिए ध्यान से, जब ये वाला डायोड रिवर्स बायस में हो रहा था तो ये कैसा हो रहा था जी, ऑफ हो रहा था, मीन्स ये डायोड बंद हो रहा था, ठीक है। लेकिन जनरल डायोड एक ऐसा डायोड होता है जो रिवर्स बायस में भी क्या करने लगता है जी, वर्किंग करने लगता है, मीन्स जनरल डायोड रिवर्स बायस में भी वर्क करता है। एक छोटे से ग्राफ से मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपने अगर बायस और पस बायस का ग्राफ पढ़ा है, ठीक है, अपन पस बायस वाला लेते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, ये मान थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, एक बिंदु ऐसा आता है जिस पर ये अचानक बढ़ जाता है, इस प्रकार से होता है, मीन्स वी और आई के बीच यदि आप ग्राफ बनाओ तो जिस बिंदु के ऊपर ये बढ़ता है उसको जेनर वोल्टेज कहते हैं, क्या कहते हैं जी, जेड वी, मीन्स जेनर वोल्टेज कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कि इतना समझिए कि एक ऐसा डायोड अपन काम में लेने वाले हैं जो रिवर्स बायस में भी क्या करे, काम करे, और उसका मुख्य रोल क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन का उसका काम होता है, ठीक है। लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक है जो इससे भी अच्छा लेक्चर प्रोवाइड करने के लिए मोटिवेट करते हैं। थैंक यू।